तो ये मैं अभी क्रैश गार्ड्स इंस्टॉल करने के बाद कैथनमग की ऑफ रोड के लिए बाइक को लेके गया था, और फ्राइडे को मैंने क्रैश गार्ड्स इंस्टॉल किए हैं और सैटरडे को ही इसने अपना काम कर दिया है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कितने स्क्रैचेस लगे हैं यहाँ पे। इफ़ यू सी ऑल दीज स्क्रैचेस, ये सब कुछ लगा है यहाँ पे, स्क्रैच लगे हैं। उसके अलावा नीचे अगर देखें लोअर गार्ड पे, तो ये पूरे स्क्रैचेस हैं। तो इस क्रैश गार्ड का तुरंत के तुरंत विद इन 24 आवर्स टेस्ट भी हो गया और बहुत सक्सेसफुली पास हुआ, क्योंकि बाइक पर कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, कहीं से भी कुछ भी नहीं आया। उसके अलावा क्रैश गार्ड्स कहीं से भी बेंड नहीं हुआ है, तो कुछ भी अदरवाइज डैमेज नहीं है। इसको क्या करना है मैं देखूंगा कि बाद में कुछ स्टिकर्स लगा दूंगा या जो भी करूंगा, पर फिलहाल आप लोगों को दिखाता हूँ इस क्रैश गार्ड्स की सारी डिटेल्स की, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीज़ें पैकेज में आती हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्रतीक हियर। ये खड़ी है अपनी BMW GS और अभी मैं इसमें इंजन गार्ड और अपर टैंक गार्ड फिट कर रहा हूँ। तो नेक्सस गैस से मैंने ये सेटअप पूरा मंगाया है, एक बार दिखा देता हूँ कि सेटअप में क्या क्या आया है। उसके बाद से फिर काफ़ी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा मन था कि मैं अपने आप ही खुद ही फिट करके देखूँ, किसी के पास फिटिंग के लिए मैकेनिक वगैरह के पास नहीं लेके जाऊँ। तो जैसे जैसे रोज़ पता लगता जाएगा वो दिखाता हूँ। पहले दिखा देता हूँ कि चीज़ें क्या क्या आई हैं। वो देखो मोक्टिक लगा हुआ है भैया, लेबर चार्ज बता दो, अनिल लगा हुआ है। तो ये जो दिख रहा है ये है लोअर गार्ड और ये है टैंक गार्ड, जो साइड का एक टैंक गार्ड है और दूसरी साइड है। उसके अलावा ये एक ब्रैकेट आया है साथ में, इतने सारे स्क्रूज और नट्स आए हुए हैं। इसके अलावा कुछ आया हुआ है और एक दो कुछ अंदर है, ये रखा हुआ है लेफ्ट वाला। तो ये सारा सामान है, काफ़ी सारे ब्रैकेट्स हैं, वो रहा इंजन गार्ड, ये दोनों अपने टैंक गार्ड, वो एक ब्रैकेट कनेक्टिंग रॉड, बस। ये सबसे पहले हम लोग इंजन प्लेट जो है ये खोल रहे हैं, क्योंकि समझ में आया थोड़ा सा कि ये जो दो इस पे ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट यहाँ पे रेडिएटर प्लेट के पास लाने हैं। तो पहले इंजन प्लेट खोल लेते हैं। अच्छा नहीं, तो काफ़ी देर बाद जाके फिगर आउट कर पाए हम लोग, जो लोअर गार्ड की ये जो होल थे दोनों, ये यहाँ पर रेडिएटर प्लेट में आने थे, पर ये ठीक से फिट नहीं हो पा रहे थे। अभी इसको प्रॉपरली फिट किया, क्योंकि हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसके ये जो स्क्रूज हैं दोनों, ये दोनों स्क्रूज ये दोनों होल्स कहाँ पर लगेंगे। हम पहले यहाँ फिट कर रहे थे, यहाँ फिट कर रहे थे, पर बाद में ये वाला ब्रैकेट देखा तो ये ब्रैकेट अंदर से आ जाएगा इस रॉड पर, जिस पर अभी हमने ये कवर लगाया हुआ, जैसे कि स्क्रैचेस नहीं लग जाए। अदरवाइज़ ये इस रॉड पर ऐसे ब्रैकेट आ जाएगा और उस ब्रैकेट में यहाँ पे आके ये दोनों स्क्रू टाइट हो जाएंगे। तो ये पूरा मैकेनिज्म था। अभी फिलहाल हमने ये दो पेच उसके फिक्स कर दिए हैं, जिससे कि ये ठीक ठाक अपनी पोजीशन में फिक्स हो गया। तो ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे इंजन के ऊपर आना है इस रॉड के पास में, और एक ब्रैकेट अपना ये है जो यहाँ से चला जाएगा अंदर, और यहाँ से इसके बाद फिर ये स्क्रू इसको टाइट कर देगा। दैट्स इट, करो टाइट, कितना कर सकते हो यार, बैठ गया देखो। वही ना, अंदर से भी हो गया हो ना सही, बस भाई और को नीचे 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 ले। तो ये लोअर गार्ड पूरा फिक्स हो गया है, ये अभी आराम से दिखा देता हूँ एक बार। इसमें यहाँ पर जो होल्स है इसमें हम लोग को फिक्स कर रहे हैं ये अपर टैंक गार्ड को। तो ये अपर टैंक गार्ड राइट वाला खाएंगे, हाँ ऐसे आएगा यहाँ पर। अभी यहाँ से कैसे फिक्स होगा वो दिखाता हूँ, पर फिलहाल ये दो पार्ट्स है, ये दो पार्ट्स यू आएंगे लेफ्ट और राइट में, और इसके बीच में एक ये कनेक्टिंग ब्रैकेट है जो ऐसे लगना है, ये बनेगा ऐसे ऐसे, और या फिर अंदर वो भी फिक्स करके देखते हैं। हाँ ये ऐसे आएगा। तो ये इसका पर्पस था, पहले समझ में नहीं आ रहा था हम लोग को, तो अभी ये लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो अभी ये जो ब्रैकेट है इसको यहाँ पर आना है, और यहाँ से दोनों अपने राइट के और लेफ्ट के वो माउंट्स लग जाएंगे। तो ये हॉर्न का स्क्रू यहाँ पे बीच में आ रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट जो ये ऐसे आ जाएगा, पर ये समझ में नहीं आ रहा था हम लोग को कि ये कहाँ पर जाएगा। तो हॉर्न को हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे और यहाँ पे जो होल है उसको इसमें फिक्स करके हॉर्न को नीचे से फिक्स कर देंगे। तो अभी ये अंदर का जो ब्रैकेट है उसके स्क्रू को हम लोग खोल रहे हैं, क्योंकि वो जो कनेक्टिंग प्लेट है वो यहाँ पर और वहाँ पर लगेगी। अभी एक बार इसको खोल लेता हूँ फिर लगा के दिखाता हूँ प्रॉपरली। अब ये जो ब्रैकेट है ये वो दोनों स्क्रू जो थे जो अभी खोले हैं हमने उसमें फिक्स हो जाएगा। ये देखो हॉर्न अभी तक ये निकाल के रखा हुआ है, और ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पर जो होल है उसमें, और जो ये यहाँ पर है स्क्रू उसमें, ये दोनों में ये ब्रैकेट अभी पूरा फिक्स हो गया है। अब जो हमारा गार्ड का स्क्रू है वो इसमें चला जाएगा।
चार घंटे की मेहनत के बाद हमने क्या किया, 1000 रुपये का लेबर चार्ज बचा लिया ना, बहुत बचाया है। 1000 रुपये का कम से कम लेबर चार्ज बचा लिया हमने। अनी ने बहुत बहुत मेहनत की है इस पर, पर फाइनली जाके सब फिट हो गया, जैसे मैं दिखाया था मैंने वैसे ही था। अब एक बार फिटिंग दिखा देता हूँ कैसे हुई है। तो ये थी स्टेप वन, जो हम लोगों ने लोअर गार्ड फिट किया था, यहाँ पर है। इसके जो स्क्रू लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं ये रेडिएटर में। तो पहले इसके ये दोनों स्क्रू लग गए थे, उसके बाद फिर हमने यहाँ वाला ये फिट किया था, तो उससे ये नीचे वाला गार्ड लोअर गार्ड पूरा फिट हो गया था। उसके बाद फिर ये जो मैंने दिखाया था यहाँ पर जो प्लेट है, इसके दो स्क्रू खोल के उसके बाद फिर इस वाली प्लेट को फिक्स किया हमने। ये प्लेट फिक्स हो गई, हॉर्न निकाल के फिट किया था पूरा, क्योंकि फिर वो एलन की से टाइट करने में हॉर्न फंस रहा था। उसके बाद फिर हमने ये जो साइड गार्ड है अपर वाला, इसको यहाँ से हाफ स्क्रू टाइट किया। उसके बाद फिर ये दोनों दो स्क्रू हैं यहाँ पर, ये ब्रैकेट लगा के हाफ टाइट किए। उसके बाद फिर सेम चीज़ इस तरफ, यहाँ पर ये ब्रैकेट फिक्स किया, ये वाला ये ब्रैकेट लगाया और ये स्क्रू टाइट किए। तो अब ये फाइनल ऐसा लग रहा है, ये पूरा हो गया राइट हैंड साइड का और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। तो क्रैश गार्ड्स इंस्टॉल हो गए हैं, अब उनको राइड पे लेके जाना है। ये क्रैश गार्ड्स लगा के बेला एकदम बड़ी बाइक वाली फीलिंग दे रही है, मतलब वैसे तो बड़ी बाइक है ही पर स्टिल, पर फिर भी ये क्रैश गार्ड्स लुक्स के लिए लगाए हुए हैं। इसकी जो टेस्टिंग होगी वो अभी जो ऑफ रोड राइड्स में कर रहे वाला हूँ उन सब राइड्स पर होगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग्स। बाकी ये क्रैश गार्ड्स मैंने नेक्सस गैस मुंबई से मंगाए थे, तो उनका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ और सिर्फ GS 310 के ही क्रैश गार्ड्स हैं वो मिलते हैं उस पर, बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यू गाइस कैन गो एंड चेक द आउट। 310R में भी मोस्टली ये सेम क्रैश गार्ड्स फिक्स हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स, उनका इंस्टाग्राम हैंडल और इसकी प्राइस की डिटेल्स सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उनका फोन नंबर आप जाके चेक कर सकते हो आराम से। बहुत सारे लोगों ने अभी 310R और 310GS लिए और बहुत सारे लोगों ने अपने भी लिए हुए हैं, एंड जो अभी अवेलेबल क्रैश गार्ड्स हैं मार्केट में हमको करके या बाकी कंपनीज के, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो दिस आई फाउंड एज अ वेरी गुड ऑप्शन। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट्स बताना कैसा लगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग्स, क्योंकि बहुत सारी ऑफ रोडिंग अभी बेला पे होने वाली है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब।